हेलो स्टूडेंट्स मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिरमोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था व्हाट आर फिरम्स व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स फिरोमोन्स में रिलीजर और प्राइमर इफ़ेक्ट क्या होते हैं कैसे होते हैं और डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन से फ़िरोमोन्स पाए जाते हैं सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिरोमोन्स दिस इज़ द रोल ऑफ़ फिरोमोन्स इन इंसेक्ट बिहेवियर तो चलिए हम शुरू करते हैं हैंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एंड्रोकोनिया जो हैं और इन ये टर्मिनेट होते हैं एक रो या रो ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम फिम्ब्रिय कहते हैं इसमें एंड होते हैं ये और इस स्ट्रक्चर से या इस एंड्रोकोनिया से जो फिरमोन निकलता है वो इन फिम्ब्रिय के द्वारा एयर में स्प्रेड कर दिया जाता है या इन फिम्ब्रिय से निकल वो एयर में इवेपोरेट हो जाता है ऐसे ही आ, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अमॉरिस है एक इंसेक्ट इनके मेल्स में एक सेंट पैच पाया जाता है मेल्स में अमॉरिस के और ये हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेंट कप्स भी कहते हैं हर सेंट कप में बीच में एक पोर होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बीच में एक ये पोर है ये सेंट ये सेंट ग्लैंड यहाँ पर ये सिचुएटेड है देखिए सेंट ग्लैंड है और इसमें यहाँ पर जो एक मीडियन पोर होता है हर कप के नीचे और ये सेंट जो होती है इन सेंट पैचेस से डिस्पर्स होती है सेंट ब्रशेस के द्वारा इन सेंट से जब भी इंसेक्ट जब लैंड करता है कहीं पे भी एयर से उड़ते हुए वो लैंड करता है किसी भी सरफेस पर तो उसके विंग्स से ये सेंट स्प्रेड हो जाती है और उसके लिए ये इंसेक्ट कभी एक साइड पर या दूसरी साइड पर बैंड होता है और इस तरीके से इसके ऑर्गन्स जो है होते हैं वो सरफेस को या ग्राउंड को ब्रश करते हैं और सेंट स्प्रेड हो जाती है ऐसे ही आ, हम आ, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है जिसे हम प्लाउडिया कहते हैं नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर ये नेसन ऑफ ग्लैंड है तो इनसे जो स्मेल रिलीज़ हो ये देखिए ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने ये एंट का डायग्राम है ये आ, आप आ, डॉर्सल ही देख सकते हैं और ये लेटरल व्यू है दिस इज डॉर्सल व्यू दिस इज लेटरल व्यू तो इसमें एंडस जो होती हैं उनमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें आप यहाँ पे देखिए इनमें मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उसका रिजर्वायर प्रेजेंट होता है फिर इसमें लेबियल ग्लैंड्स होते हैं ये रहे तो ये ब्लू कलर जो है आर लेबियल ग्लैंड्स देन मेटाप्लूरल ग्लैंड ये ऑरेंज कलर येलोइश ऑरेंज ये जो है आर मेटाप्लूरल ग्लैंड देन देर आर पवन ग्लैंड हेयर ऑरेंज कलर पवन ग्लैंड ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसमें ये ग्रीन कलर ड्यूफर्स ग्लैंड है देन देर इज एनल ग्लैंड यहाँ पर ये ये सिचुएटेड है पिंक कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉर्सली एनल ग्लैंड दोनों साइड पर प्रेजेंट है एनल ग्लैंड और उसका रिजर्व ऑयल तो इनमें सिक्स टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं विच आर प्रोड्यूसिंग फिरमोन्स अब हमने अभी देखे थे वो ग्लैंड जो कि फीरोमोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अब इन फिरमोन्स को जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनके कॉन्सपेसिफिक्स के द्वारा रिसीव भी किया जाता है परसीव किया जाता है पहचाना जाता है तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं आइए ये जानते हैं तो स्ट्रक्चर्स जो फिरमोन्स रिसीव करते हैं उनमें कई सारे हैं उनमें से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसेक्स के अंदर uh, कुछ uh, कुछ इंसेक्ट्स में फ्लैट होते हैं कुछ में कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि नर्वस सप्लाई पाई जाती है ये देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल और इसमें यहाँ पर ये नर्वस सप्लाई है ये कप ऊपर सरफेस जो वो है वो कप शेप्ड है दिस इज ऑल्सो कप शेप स्ट्रक्चर दिस इज स्लाइटली पॉइंटेड स्ट्रक्चर तो हेयर ही होता है ये कुछ कुछ हेयर ही होते हैं कुछ शॉर्ट स्टब्स होते हैं स्टब जैसे होते हैं स्टब ही होते हैं तो इस एक इसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट की बॉडी सरफेस पे जो कि फिरोमोन्स को रिसीव करते हैं मेल सिल्कवा मोथ होता है वो फिरमोन्स रिसीव करने के लिए उसके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स उसके एंटीना पर सिचुएटेड होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एंटीना का स्ट्रक्चर है मेल सिल्कवा मॉथ का जिस पर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कीमो uh, रिसेप्टर्स की तरह से एक्ट करते हैं इन पर दो तरीके के सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेंसरी स्ट्रक्चर्स को हम मेल सिल्कवा मौथ में एक तो बोलते हैं सेंसिले सीलोकोनिके ये देखिए यहाँ पर बना रखें सेंसिले दिज आर सेंसिले सीलोकोनिके और uh, नीचे की तरफ जो प्रेजेंट हैं ये वाले दिज आर सेंसिले बेसिकोनिकल ओके okay? सेंसिले के एंड सेंसिले बेसिकोनिकल तो इस तरीके से इनमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिरोमोन्स को रिसीव करते हैं सिल्क सिल्कव में सिल्कव मॉथ में फिर यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया एक डियर का तो डियर के अंदर भी आ, कई सारे यहाँ पे देखिए इसमें ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि आ, अलग अलग जगह पर जो कि फिरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे एनल ग्लैंड है टार्सल ग्लैंड है टार्सल ग्लैंड इंटर डिजिटल ग्लैंड है तो बहुत सारे ग्लैंड इसमें भी पाए जाते हैं वर्टिब्रेट है ये तो वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारे पाए जाते हैं फिरमोन्स ये है आ, वो वर्कर बीज को आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करती है ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर तो दूसरा फंक्शन फिरोमोन्स का है कि वो कॉलोनी को मेंटेन करने का काम करती है जो कॉलोनी का मेंटेनेंस होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर दैट इज डन बाय दिस फिरम्स तो फिरोमोन्स क्वीन बी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं हमको पता है तो क्वीन बी कई प्रकार के फिरोमोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि कॉलोनी के सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं अगर एक क्वीन बी को उसकी कॉलोनी में से हटा दिया जाए आ, तो आ, जो वर्कर बीज होती हैं वो एकदम से रेस्टलेस हो जाती हैं क्योंकि क्वीन भी फिरोमोन्स प्रोड्यूस करती थी वो उनको अब नहीं रिसीव कर पाते वो और आ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उनको क्या काम करना है तो जब ऐसे कुछ देर हो जाती है कुछ टाइम लैप्स हो जाता है और आ, हनी भी नहीं दिखाई देती अगर क्वीन भी उनको नहीं मिलती है हनी भी नहीं क्वीन भी अगर उनको नहीं आ, उसके उससे फिरमोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते क्वीन भी क्योंकि नहीं है अगर हाइफ में तो फिर वर्कर भी थोड़ी ही देर बाद दे स्टार्ट बिल्डिंग इमरजेंसी क्वीन सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं हाइफ में जो सेल्स होती हैं वो क्वीन इमरजेंसी क्वीन सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं वर्कर सेल्स जो होती हैं वो वो इनलाज हो जाती हैं उनको रीशेप कर देते हैं और लार्वे जो होते हैं उनके अंदर उस उनको रॉयल जेली पर फीड करना शुरू कर देती हैं वर्कर बीज जिससे कि न्यू क्वीन भी फ़टाफट बन जाए और जो फर्स्ट जो निकल के आएगी बाहर वो आ, 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 वो जो क्वीन भी होगी वो अपने बाकी के रॉयल जेली फेड लार्वे होते हैं या जो जो डिवेलपिंग क्वीन बीज होती हैं उनको स्टिंग करके और मार देती है एंड बिकम्स द क्वीन बी ऑफ़ द हाइव अब जब क्वीन भी बन जाती है तो क्वीन भी वर्कर्स को फिर ऑर्डर्स देना थ्रू ऑर्डर्स थ्रू फिरम्स वो देना शुरू कर देती है और इस तरीके से कॉलोनी में आ, जो कॉलोनी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका मेंटेनेंस का काम चलता रहता है तो आ, न्यू रॉयल चैम्बर्स जो होते हैं वो आ, उनका इनहिबिशन भी होता है मतलब वर्कर बीज को नए रॉयल चैम्बर्स या क्वीन बी चैम्बर्स बनाने से रोकने के लिए क्वीन बी अपने मैंडिबुलर ग्लैंड से कुछ फिरोमोज रिलीज़ करती है जिससे कि वर्कर बीज जो होती हैं वो नई जो चैम्बर्स जो होते हैं रॉयल चैम्बर्स होते हैं वो बनाना बंद कर देती हैं तो ऐसे ही हम टर्माइट्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कास्ट्स को देख सकते हैं और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कास्ट जो होता है आप आपको पता होगा इसमें नेसीूट्स uh, और सोल्जर्स जिन्हें कहते हैं वो और बहुत सारे तरीके के फॉर्म्स uh, पाए जाते हैं टर्माइट्स में बहुत सारी कास्ट जिनको कहते हैं तो दीज आर ऑल रेगुलेटेड बाई फीरोमोन्स अगर एक क्वीन टर्माइट एबसेंट हो जाती है तो उसके एक वीक के अंदर ही उसका रिप्लेसमेंट तैयार कर दिया जाता है और इन टर्माइट्स में uh, कई बार एक से ज़्यादा क्वीन प्रोड्यूस कर दी जाती है मतलब बनाई जाती है लेकिन जैसे ही फ़र्स्ट क्वीन बाहर आती है तो वो बाक़ी जो होती हैं फर्स्ट क्वीन के बाहर आते ही जो वर्कर्स होते हैं वो बाकी की जो क्वीन टर्माइट्स होती हैं जो डेवलप हो रही होती हैं उनको खा जाती हैं और इस तरीके से सिर्फ एक, एक कॉलोनी में एक ही टर्माइट या क्वीन टर्माइट रह जाती है जो कि कॉलोनी का कंट्रोल ले लेती है कॉलोनी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम ले लेती है दिस इज ऑल डन बाई द हेल्प ऑफ फिरमस सो फीरोमोन्स आर वेरी इफेक्टिव इन मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल इंसेक्ट्स अगर सोशल इंसेक्ट्स को अगर अपना कम्युनिकेशन आपस में रखना है या कॉलोनी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो दे नीड टू हैव दिस इम्पॉर्टेंट Chemicals called pheromones. Okay, so this is about uh, this is all about pheromones in insects. Uh, thank you so much, girls. Just uh, go through the lecture again and again and be ready, be prepared for your exams. Thank you.